मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र हूँ, मोक्षदायक मैं हूँ और मैं ही अंतर्द्वंद हूँ। मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र हूँ। मैं धर्म हूँ, संन्यास हूँ, तोड़ता हर झूठी आस हूँ। मैं धर्म हूँ, संन्यास हूँ, तोड़ता हर झूठी आस हूँ। अध्यात्म का शिखर हूँ मैं और मैं ही मन का त्रास हूँ। मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र हूँ। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसे सब कुछ देता हूँ। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसको सब कुछ देता हूँ। और जो दौड़ा इंद्रियों के पीछे उसको मैं पागल कर देता हूँ। मैं केतु हूँ, मैं तंत्र हूँ, मैं खुफिया षड्यंत्र। ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने ताकि केतु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। राहु और केतु का मेजर ट्रांसिट 30 अक्टूबर को हो रहा है और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहने वाला है। अब केतु का, क्योंकि राहु पर तो हमने काफी लंबी चर्चा की है आपकी राशि को लेकर के, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देखे। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु का जो ये ग्रह गोचर है, ये आपकी कुंडली में आपको क्या परिणाम देगा? क्या अब तक केतु ने जो आपसे छीन लिया है वो आपको इस बार लौटाने आए हैं? इसी बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और फिर इसमें बना दिए राहु केतु, जो हर समय लोगों को परेशान ही करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। ये आपकी कुंडली में बैठते ही उस जगह है जहां पर आपको बहुत मोह है और इस मोह को तोड़ने का नाम ही है केतु। अब तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टा यूनिवर्स की बात कर रहा है। यानी कि ब्रह्मांड में, अगर ये ब्रह्मांड है इसमें आप हो, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप वहां पर भी हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये टॉपिक है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन बस इतना समझ लो कि ये जो तुम जीवन जी रहे हो, ये एक सपना है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये सब एक सपना है, माया है। और इस माया को तोड़ने का काम करते हैं केतु। केतु ही वो पावर है जो आपको रियलाइजेशन कराते हैं, उस सपने को तोड़ते हैं। उठो, जगो, यही तुम नहीं हो बंदे, इसके आगे भी तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ था और आगे भी बहुत कुछ रहेगा। वो रियलाइजेशन का नाम है केतु। 30 अक्टूबर को केतु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि से कन्या राशि में, और 18 महीनों के लिए रहेंगे। 18 मई 2025 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। अब आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए जानते हैं। इस राशिफल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि ये जो ग्रह गोचर है, ये कहाँ कहाँ, इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, केतु आपको क्या परिणाम देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है, उसमें मैं आपको आभास से, यानी जो इंट्यूशन मुझे आती है, उसके माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव इसका होने वाला है, और अगर कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए है वो आपको जरूर बताऊंगी। कन्या राशि वालों, आपके लिए ये जो परिवर्तन है केतु का, राहु का, ये बहुत खास है, खासकर केतु का जो है, क्योंकि केतु जो है आपके द्वितीय भाव से निकल करके सीधा आपकी लगन में प्रवेश करेंगे। तो आपका जो पूरा अभी नेचर होने वाला है वो कहीं ना कहीं केतु से संबंधित होने वाला है। एक तो वैसे ही कन्या लगन में बहुत अच्छा रिजल्ट केतु देते नहीं है, अब यहाँ पर जाकर के केतु बैठ जाएंगे तो एकदम गुस्सा आपका बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हर चीज पे आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना है। प्लस अभी तक केतु जो है वो आपकी इनकम को ब्लॉक किए हुए थे, अब जो है वो आपके लगन पे चले जाएंगे। तो दो चीजें, या तो आप बहुत ज्यादा अगर मोह माया में पड़े हुए हैं, आप बहुत ज्यादा ही इस दुनिया से अटैच हो रहे हैं, तो केतु आपको परेशान करेंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा है आध्यात्मिक उन्नति की, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की, तो केतु आपको बहुत हेल्प करेंगे। इन 1.5 सालों में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, चाहे वो आपके लुक्स हो, चाहे वो आपका माइंडसेट हो, चाहे आपका पहनने का तरीका हो कपड़े, चाहे आपका हेयर स्टाइल हो, चाहे आपका फेस का लुक हो, बॉडी का लुक हो, एक्सरसाइज करना, रूटीन फॉलो करना,
बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो, आपको लगता है लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, अच्छी चल ही नहीं रही है, रुकावटें हो गई है, या जैसी थी वैसी चल रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चेंज केतु आपको दे सकते हैं। थोड़ा सा पीड़ादायक ये चेंज हो सकता है। देखो, या तो पीड़ा आपको केतु जो देंगे आप खुद उसे स्वीकार कर लो, या हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना जिम करेंगे, इतनी एक्सरसाइज करेंगे, अपने ऊपर इतना काम करेंगे, बैठ के सोचेंगे किसने हमें क्या बोला, हमें क्या बुराई है, कैसे उसको अच्छा करें, तो केतु बड़े अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप उससे लड़ोगे और चाहोगे कि नहीं नहीं केतु मुझे दुख मत देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे सुख ही सुख दो, मुझे तो संसार का सुख चाहिए, तो वहां परेशानी है, वहां दिक्कत होगी। वरना इस स्थिति में अपने आप में चेंजेस जो व्यक्ति लाएगा केतु, उसको बहुत बढ़िया कर देंगे, उसकी लाइफ परिवर्तित कर देंगे। एक दृष्टि सप्तम दृष्टि उनकी 12वें स्थान पे पड़ेगी, जो पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसमें जो है उतार चढ़ाव होने वाला है। एक दृष्टि पड़ेगी उनकी पंचम दृष्टि, और एक दृष्टि पड़ेगी उनके धर्म के स्थान पर, उनके भाग्य के स्थान पर। तो ये बेस्ट मुझे लग रहा है, ये 1.5 साल में आप अपने आप को बदल डालो, ऐसा बन जाओ कि दुनिया 1.5 साल बाद जो आपको व्यक्ति देखे वो देख करके कहे कि कैसे संभव है कि इतना ट्रांसफॉर्म कोई हो सकता है, इतना चेंज कोई हो सकता है। उस लेवल पे अपने आप को चेंज लेके आओ। थोड़ा मुश्किल है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, लेकिन उसके बाद जीवन भर के लिए जो इंसान तुम बन जाओगे वो तुम्हें कोई भी नहीं बना सकता, यहाँ बैठे केतु ही केवल बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान चल रहे हैं तो हमसे हमारे सिद्ध दरबार दिल्ली में आकर के मुलाकात करें, बिल्कुल निशुल्क हम ये सेवा करते हैं। आपको उपाय भी निशुल्क दूंगी, नारियल सिद्ध करके दूंगी, जो भी अब तक मैंने शक्ति पाई है, सिद्धि पाई है, उससे तुम्हें बताऊंगी भी, परामर्श भी दूंगी कि क्या करना है जीवन में, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, और साथ साथ उसे टालने के लिए, तुम्हारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए निःशुल्क आपको उपाय भी करके दूंगी। केवल एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आए और हमारे शनि देव जी की कृपा साथ ले जाए। केतु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। अंत में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और बड़ा सिंपल है, कोई खर्चा भी नहीं है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। कन्या राशि वालों, इस समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो। आपने जो एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए आप काफ़ी मेहनत करोगे और उस टॉप पे पहुंचने के लिए आप दिन रात एक करने वाले हो, बिल्कुल जुनून के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसमें बहुत सी चुनौतियां आने वाली हैं, लेकिन आप उस चुनौतियों से घबराएं नहीं, डिप्रेशन में ना जाएं। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप फ्रेंड्स का सहारा लें, कुछ फ्रेंड्स के साथ आप समय बिताएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ क्लोज फ्रेंड्स या कोई क्लोज रिश्ते वाले हो सकते हैं, उनके साथ आपको समय बिताने की ज़रूरत है। ये समय जो है आपको नेगेटिव बनाने की पूरी कोशिश करेगा। आपको एट टाइम्स ऐसा लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और फिर से अंदर से ही कहीं प्रेरणा आएगी कि नहीं करना तो है ही। उसकी वजह से आपको फिर से एक एनर्जी आएगी, नेगेटिविटी भी छाई रहेगी लेकिन पॉजिटिव आप अपने आप को बनाओगे, और बनाना होगा आपको क्योंकि आपने जो सपना देखा है वो काफ़ी बड़ा है और कोई और आपके उस सपने के लिए मेहनत नहीं करने वाला, कोई और आपके उस सपने के लिए काम नहीं करने वाला, उसके लिए तो आपको खुद ही करना होगा। मेरा एडवाइस इस समय में यही रहेगा, थोड़ा सा रुको और रुक करके आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने आप को देखो कि कहाँ तक किया है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है सुबह दोपहर शाम बस काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और आप देख नहीं रहे हैं कि उसका आउटकम क्या आ रहा है, क्योंकि आउटकम आने लगा है। अगर उसको देखने लगोगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मुझे आ रही है, क्योंकि इस समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। जो भी काम करोगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी, अच्छी चीज मुझे दिखाई दे रही है, और बैलेंस होती है आपकी लाइफ दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने स्टेटस को लेकर के काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को लेकर के काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें इन 1.5 सालों में स्टेबिलिटी जरूर आएगी। मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। फोन में यूट्यूब देख रहा था एक लड़का मेरे साथ, मैंने उस ट्यूब में का मेरे को भी दिखा भाई, मैंने उस ट्यूब में देखा तो गुरु माँ की तस्वीर दिखाई थी, तो जो कह रही थी कि हमारे यहाँ वीरवार को फ्री दरबार लगता है, पर ये जो वीरवार गया पीछे, इसी वीरवार को मैं गुरु माँ के चरणों में आ गया। आज मेरा दूसरा हुआ है, और यहाँ से जाने के बाद पहली बार में मेरा शरीर भी ठीक हो गया और मेरा काम भी खुल गया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कभी दिवाली या होली पे भूखा मरता था, लेकिन आज जो खुशी महसूस करता हूँ मैंने कभी नहीं की। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद।
केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहां भी जाते हैं वो मोह को तोड़ते हैं, मोह भंग करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष जगह बैठे तो आपका मोह उस स्थान से बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने वो इस जन्म में आपके पास आए हैं। उपाय बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज का मोह करना छोड़ दो। खासकर अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा हूं या होने लगी हूं, उस चीज का त्याग करने को चाहे मन ही मन, कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, मन से उससे डिटैच हो जाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। अपने अटैचमेंट को, यानी अटैचमेंट मतलब आपका सुख दुख उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है। अगर बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं या आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आपको वहां से दुख होगा। ये मोह है। आप अपना कर्तव्य करो, बस उसमें से जो बीच का अटैचमेंट है, जो मोह है, उसको निकाल दो, तो आपका सुख दुख बच्चे नहीं रहे, आपका सुख दुख आप स्वयं हो, आपके प्रभु हैं, आपके कर्म हैं। तो इसीलिए वहां से हट जाने से आपका केतु ठीक हो जाएगा अगर पंचम में बैठा है। इसी प्रकार से जहां भी बैठा है बस यही संकेत कर रहा है कि आपको उस स्थान से बहुत मोह था पिछले जन्म में या इस जन्म में मोह में आप पड़ रहे हो, उसको छोड़ना सीख दो, उसको डिटैच उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस जगह से होना सीख जाओ। केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। साथ में संतों की वाणी हमेशा सुनते रहे। केतु जो है वो हमेशा ही धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म ध्वजा उनके हाथ में होती है। शून्य की स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति केतु ही देते हैं। अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, संतों की वाणी सुनो, स्वयं भीतर से खुश रहना है, अच्छा रहना है, लाइफ आपकी आपको सेटिस्फाइंग लगे, संतों की वाणी सुनना शुरू करो, उनका आशीर्वाद लो। केतु बहुत प्रसन्न होंगे, आपको किसी प्रकार के मोह में फंसने ही नहीं देंगे। और इमोशंस में बहना छोड़ दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इमोशन आता है, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का, या बहुत ज्यादा प्रेम भी, ये भी खतरनाक होता है, उसको छोड़ो। अपने आप को एक बैलेंस में लेकर के आओ। जहां भी, जिस भी चीज पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो, उसी समय उसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो। केतु आपके स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।